वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। देख, मेरा सवाल था कि नमाज से रिलेटेड। तो जैसे मैं जॉब करता हूँ तो असर जी की नमाज 4 बजे हो जाती है, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिलता। तो कंपनी के साइड में ही एक तबलीग जमात की भी मस्जिद है, वहां पर 5:15 की जमात है, तब मुझे वक्त मिलता है। तो मैं तब जमात के साथ नमाज पढ़ू या मुझे थोड़ा टाइम पहले टाइम मिल जाए तब पढ़ू अकेले में? जी सर, जिस कंपनी में जहां आप काम करते हैं, जो ठीक जी शेख, वहां पे जब असर की जमात हो रही है, आप जमात के साथ नमाज पढ़ें। जी आप अगर थोड़ी सी वो लोग ताखिर कर रहे हैं, देखिए असर का जो टाइम है वो गुरुबे आफ्ताब तक रहता है, उसका जो अफजल टाइम है वो सूरज के जर्द हो जाने तक रहता है, लेकिन वक्तु जरूरा मगरिब तक रहता है। तो अगर जी थोड़ी सी ताखिर करते हैं काम की वजह से, तो ये ताखिर जायज है। ऐसा नहीं कि उस वक्त नमाज नहीं होगी, तो आप जमात के साथ नमाज पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया कि अफदलुल आमाल क्या है, सबसे अफजल अमल। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अस्सलातु फी अव्वल वक्तिहा, तो या जी अस्सलातु फी अव वक्तिहा अव कमा कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वक्त पर नमाज पढ़ना। जी इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर जोहर का टाइम मान लीजिए मिसाल के तौर पर 1:30 बजे शुरू हो रहा है, अगर तो अगर कोई 2 बजे नमाज पढ़ा तो जो है अफजल नहीं है, ये इसका मतलब नहीं है। नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना, जहां पर आप मौजूद हैं, जब जमात कायम की जा रही है जमात के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं कि जब नमाज का टाइम हो गया तो फौरन पढ़ लेना ही अफजल है, बल्कि कई नमाजें तो ऐसी हैं जिनमें ताखीर अफजल है। जैसे ईशा की जी नमाज को ताखीर करके पढ़ना अफजल है, लेकिन मान लीजिए आपके मोहल्ले में ईशा की नमाज अजान के फौरन बाद हो जाती है, ईशा का टाइम शुरू होते ही नमाज हो जाती जमात हो जाती है, तो हम आपसे जी कहेंगे कि आप जमात के साथ पढ़िए, जमात अफजल है। अगर आपके मोहल्ले में ईशा की जमात देर से होती है तो देर से पढ़िए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है देर से ईशा जी की नमाज पढ़ना अफजल है। जोहर की नमाज गर्मियों के मौसम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर ताखीर करके पढ़ते थे। तो नमाज को वक्त पर पढ़ना है, और इसमें इस बात की रियायत करनी है कि वहां पे जमात कब हो रही है, तो आपको जमात से पढ़ना है। तो नमाज का जो भी वक्त है, इतने बजे से इतने बजे तक, उसके दरमियान आपको पढ़ना है, इस बात की रियायत करते हुए कि जमात कब हो रही है, जमात छोड़ करके ना पढ़े। तो नमाज के वक्त पर पढ़ने की अफजलियत का मतलब यह है कि उसको वक्त खत्म होने से पहले पढ़ा जाए, यह मतलब जी नहीं है कि अभी वक्त शुरू हुआ फौरन पढ़ ली जाए। तो शेख, ये नहीं कह सकते अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है, नमाज अव्वल वक्त में अदा करना? देखिए, ये एक कायदा आप समझिए तमाम इबादतों के बारे में। जी हर इबादत को आप जितना जल्दी कर लें उतना बेहतर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसारा इलल खैरात का हुक्म दिया है। आप जी आगे नहीं जानते हो आगे क्या होने वाला है, आपको पता नहीं है, तो जैसे जी ही आपको फुर्सत हो पहले कर लें। लेकिन यहां पर इस बात की भी रियायत करना जरूरी है कि आपके यहां जमात कब हो रही है। मान लीजिए आपके यहां जमात 2 बजे हो रही है जोहर की, अब आप ये कहो कि भाई मुझे जल्दी पढ़ना है, मैं 1:30 बजे पढ़ूंगा जी चाहे अकेले पढ़ना पड़े, तब हम कहेंगे जी कि आप अफजल के खिलाफ कर रहे हो, जी बिल्कुल क्योंकि जो जमात हो रही है वो वक्त में हो रही है, तो आप जमात से पढ़ो, वक्त निकला नहीं है। ऐसा नहीं कि जो लोग 1:30 बजे पढ़ रहे हैं वो जो है गलत कर रहे हैं, आप उनके साथ पढ़ो। जी वाज़े है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर।